दुख सिंह, दुख सिंह दूसरी प्रॉब्लम आ जाए हमारे लिए। ऐसा नहीं है, पूरा वो सुबह ही चेक करेंगे, इसी टाइम जा रहे हैं अपना चेक करते हुए निकल जाएं। अभी हमें यहाँ बाएं तरफ देखिए, ये हमारी जीरो लाइन पेट्रोलिंग जा रही है, ये उठ गई जरा। भाई ध्यान अकेला रहे हूँ, बैठो है ये डॉलर जी को ले जा के दे देना तुरंत, डॉग डॉग वाले का ले जरा एक दोस्त। मतलब इस समय ऑफ सेलेड के दौरान जो है ज्यादा डोमिनेट करने को नहीं खबर करो ना, हमारी बात ये बात होना। एक मिनट दुख सिंह कहाँ गया? तू फोटोग्राफी बाद में करना, बाइटे बाइटे फिर कौन लेगा? किस पे चलाओगे तो रुकेंगे आप? सर ये एबीपी है, एनडी चाहिए टीम, इंडियन न्यूज न्यूज एक्सप्रेस और सब पे चलाओ। तेल देखिए क्या जी दर, अरे पताजी, दर, अरे पताजी।
अभी हमारे पास एक फॉर्मल कंप्लेंट बीएसएफ की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने बताया भी उनके डिप्टी कमांडेंट रैंक के ऑफिसर को एक अननोन नंबर से एक फ़ोन कॉल आया, जिसमें उसने एयरफोर्स का एक ऑफिसर अपने आप को बता के कुछ सूचना जुटाने की कोशिश की। चूंकि वो डिप्टी कमांडेंट भी काफ़ी इंटेलिजेंट था और उसने समहाउ सूचना कोई रिवील नहीं की, पर उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, जिसपे हम जांच कर रहे हैं। क्या कोई नंबर भी अवेलेबल करवाए गए हैं और उनको, क्या वो भारतीय नंबर है या कहीं और से? बिल्कुल, कुछ नंबर उपलब्ध करवाए हैं उन्होंने, उसमें एक दो नंबर इंडिया के भी हैं जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं पूरा, और उसकी जाँच चल रही है। आम पब्लिक या बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को भी कई बार ये टारगेट करके कोई सूचना बीएसएफ की या आर्मी की मूवमेंट के बारे में पूछा जाता है या ऐसी आती है बात, तो मेरी बाड़मेर वासियों से यही अपील है भी, क्योंकि हम सरहदी अपना ज़िला है जिसमें हमें को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, ऐसी कोई भी फ़ोन कॉल आती है तो उस पर किसी भी प्रकार की सूचना शेयर ना की जावे और उसकी तुरंत सूचना निकटतम थाने पर दी जावे। पहले वाली जो सूचना आप डीएफओ वाली बता रहे हैं वो मेरे अभी जानकारी में नहीं है, पर इसको काफ़ी गंभीरता से और लिया है और हमारी एक टीम कहीं बाहर जाके भी आई है इस संदर्भ में, और मैं मुझे पूर्ण विश्वास है भी हम जल्द ही इसका खुलासा करेंगे।